वेलकम टू एजुकेशन दर्शन। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी सीडीएस 1 2020 के बारे में। तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसका जो एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट होके, मतलब आज से स्टार्ट होके 19 नवंबर 2019 तक फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं शाम को 6 बजे तक 19 नवंबर 2019। इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो 2 फरवरी 2020 को होगा, और जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 3 वीक पहले आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कितनी वैकेंसीज है। अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो वैकेंसीज की संख्या है वो 100 है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 45 वैकेंसीज है, आईएफए के लिए 32 वैकेंसीज है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेंस के लिए 225 वैकेंसीज है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेंस के लिए 16 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज की जो संख्या है वो 418 है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ये कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, जैसे कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो इंडियन नेवल एकेडमी, तो यहाँ पे आपको बीई या बीटेक के साथ साथ 10+2 होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ, ये कंपलसरी है। इसी तरह आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीई या बीटेक विथ 10+2 विथ साइंस प्लस मैथ के साथ होना चाहिए। इसी तरह हम लोग आगे जानेंगे ओटीए के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको ही बताया वो साइंस स्ट्रीम हो सकता है, आर्ट्स या कॉमर्स हो सकता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए वो भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो हम लोग अब आगे जानेंगे यहाँ पे एज क्राइटेरिया या लिमिट्स के बारे में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे, अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना है तो आपका जो एज है वो बिटवीन 19 to 24 होना चाहिए, और आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो एज लिमिट है वो 19 to 24 होना चाहिए, और आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह एयरफोर्स के लिए जो एज लिमिट है वो है 20 to 24, और उनका भी जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे आगे एज क्राइटेरिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो मैन है उनका जो क्राइटेरिया एज लिमिट है वो 19 से 25 साल के बीच का है, और उनका भी जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 19 से 25 साल के बीच का है, और उनका भी जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग जान लेते हैं फ़ी के बारे में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग फ़ी फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी आर रिक्वायर्ड टू पे ए फी ऑफ ₹200। यहाँ पे फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ी नहीं जमा करना है, वो एग्जेम्प्टेड है, और जो जनरल है OBC है उनको ₹200 जमा करना है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे कि द ऑनलाइन अप्लीकेशन कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम 26/11/2019 to 3/12/2019 till 6 PM। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट
फॉर्म फिलअप कर देते हैं और किसी कारण में जैसे पूरी अच्छी तरीके से तैयारी ना हुआ हो और वो अपना अटेम्प्ट ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना जो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो फिल किए हैं उसको विड्रॉन कर सकते हैं 26/11/2019 से 3/12/2019 तक शाम को 6 बजे तक। तो थैंक्स फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग इसका सिलेबस के बारे में एक वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।